बता दें कि जब से चिराग पासवान ने लोकसभा की 6 सीटों और 2 एमएलसी सहित एक राज्यसभा के सांसद की मांग की है, उसके बाद से बिहार में सियासी बवाल मचना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि क्या भाजपा चिराग पासवान की मांगों को पूर्ण करने में मदद करेगी या नहीं। लेकिन इसी बीच बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने दिया है चिराग पासवान को बड़ा भरोसा और कहा है आपकी शर्तों के लिए पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बता दें कि योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने चिराग पासवान को आश्वासन देते हुए कहा है कि पार्टी आपके विचारों पर और आपकी शर्तों पर गंभीरता से विचार कर रही है। बता दें कि चिराग पासवान ने 6 लोकसभा की सीटें, 2 एमएलसी और 1 राज्यसभा का सांसद इतने बड़ी मांग की थी, जिसके बाद बिहार में के सियासी हलकों में ये बातें फैल रही है कि आखिर चिराग पासवान के पास ना कोई जनाधार है, ना चिराग पासवान के पास अभी समय में कोई ऐसा मजबूत इकाई है, ना पॉइंट है कि आखिर किस आधार पर चिराग पासवान ने इतनी बड़ी मांग कर दी। आखिर कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा गठबंधन है जो इनकी शर्तों को पूरा करेगी। लेकिन इसी बीच बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने बड़ा भरोसा दिलाते हुए कहा है कि पार्टी आपके मांगों और आपके शर्तों को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है और बहुत ही जल्द पार्टी इसका अंतिम फैसला भी कर लेगी कि आपको आपकी कौन कौन सी शर्तों को पार्टी मान रही है। चिराग पासवान के साथ मजबूरी ये है कि वो महागठबंधन में जा नहीं सकते और उसके बाद अकेले चुनाव लड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर अकेले वो चुनाव लड़ते हैं तो उसके बाद उनको अपना अंजाम भी पता है। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर योगी आदित्यनाथ की तरफ से आ रही है। योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाते हुए चिराग पासवान को आश्वस्त रहने के लिए कहा है, जिसके बाद अब ये कयास लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बीच में आ जाने के बाद हो सकता है कि चिराग पासवान की मांगों को पार्टी गंभीरता से ले और गंभीरता से इसके ऊपर विचार करे। तो बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है चिराग पासवान की मांगों को लेकर, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी।